Assalamu alaikum, welcome to GFX Mentor. मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूँ फोटोशॉप बिगनर सीरीज की क्लास नंबर 21 और आज का टॉपिक है पैटर्न्स। पैटर्न्स या टेक्सचर्स, ये सब कुछ एक ही साथ हो रहा होता है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। Alright, welcome back. So, first of all, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि pattern या textures हम किस तरह से apply कर सकते हैं। There are 2-3 ways. लेकिन पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं, हमने याद है क्लोन स्टैम्प टूल पढ़ा था। क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर ही आपके पास एक दिया हुआ है पैटर्न स्टैम्प टूल। नाउ पैटर्न स्टैम्प टूल का पर्पज क्या है, अगर आप जैसी पैटर्न स्टैम्प टूल लेते हैं बिल्कुल ब्रश के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं पैटर्न। सो अगर आप यहाँ ऊपर जाके देखें तो यहाँ कुछ अजीब अजीब से पैटर्न्स आपको यहाँ पे छोटे छोटे से टाइल्स टाइप की चीजें दिख रही हैं। सो ये हैं आपके पास बने बनाए कुछ पैटर्न्स। लेट सपोज मैं ये वाला पैटर्न यूज कर रहा हूँ और मैं सिंपली यहाँ से एक न्यू लेयर ले रहा हूँ और ये मैंने अपना पैटर्न स्टैम्प टूल लिया हुआ है, ठीक है। सो जैसे ही मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, ये बहुत बारीक सी यानी अप्रोक्सीमेटली 1 pixel की डायगनल लाइंस ये डाल रहा है, सही है। सो मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये आपको प्रॉपरली दिखेगा कि हुआ क्या है। मैं सबको दोबारा हटा रहा हूँ और अब मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। जिस मेरा ब्रश भी बड़ा सा है, ये बहुत बारीक सी लाइन्स हैं। अगर मैं ब्रश भी छोटा कर लूँ और जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको अंदाजा होगा कि हो क्या रहा है, सही है। सो ये एक बना बनाया पैटर्न आपको दिया हुआ है, सिंगल पिक्सल डायगनल लाइंस। नाउ अगर मैं यहां पर और देखूं तो कुछ और भी पैटर्न्स आपके पास दिए हुए हैं। बहरहाल ये बने बनाए आपको फोटोशॉप दे रहा है और बहुत सारे दे रहा है, सिर्फ ये नहीं है, इनके अलावा भी हैं। और आपके पास कुछ लाइब्रेरीज जिस तरह से बनी बनाई लाइब्रेरीज आपको लास्ट टाइम मैंने ग्रेडियंट्स में बताई थी, उसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आर्टिस्ट सरफेस है, आर्टिस्ट ब्रशेस एंड सो ऑन। सो ये इतने सारे जो आपके पास हैं, इनको क्या हम इन्हीं ब्रशेस के साथ यूज करेंगे? नहीं, आप इनको फिल भी कर सकते हैं। सो फिल किस तरह से करेंगे ये देख लें। सिंपली आपने, मैंने यहाँ पर एक न्यू लेयर ली हुई है, सही है, और जैसे ही मैं शिफ्ट बैकस्पेस या शिफ्ट डिलीट प्रेस करता हूं, आपके पास यहां पर वही फिल डायलॉग बॉक्स में यहां पर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ पैटर्न, आपको जो पैटर्न फिल करना है आप यहां से डायरेक्टली सेलेक्ट करो और ओके कर दो। सो जो भी आप पैटर्न सेलेक्ट करोगे वो यहां पर आपकी लेयर पर फिल हो जाएगा। So, अगर आपने अपने खुद के पैटर्न्स बनाने हैं तो बहुत सिंपल सा काम है, आप सिंपली कोई सा भी इमेज ओपन करें। मैंने यहाँ पर ये एक क्लाउड्स वाला इमेज ओपन कर रखा है, आप इसमें से कुछ भी एरिया सेलेक्ट कर लें। नाउ देखिए, मैं ये ऊपर से जो स्काई का एक पैटर्न है, देखें इट्स नॉट इवन, एक जैसा ब्लू नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा शेडेड सा आ रहा है, या आप चाहें तो यहाँ क्लाउड से ले लें। सो मैंने यहाँ से सिंपली सेलेक्ट किया एंड एडिट पे जाएंगे, डिफाइन पैटर्न, ये आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है डिफाइन पैटर्न। सो सिलेक्शन जरूरी है इसके लिए, डिफाइन पैटर्न जैसे कि आप इसका नाम देना चाहें नाम दे दें, ओके कर लें। मैं वापस आ रहा हूं अपनी दूसरी वाली फाइल पे और अब अगर मैं इसको फिल करना चाहूं, जैसे मैंने शिफ्ट डिलीट या शिफ्ट बैक स्पेस किया, ये देखें आपकी लाइब्रेरी में यहां पर ये वाला पैटर्न रखा हुआ है, इसको ओके करेंगे ये यहां पर फिल कर देगा। सी इट वॉज अ बिग इमेज, बहुत बड़े साइज का इमेज था। सो ये जाहिर है मेरा जो ये वाला जो टारगेट इमेज है ये थोड़ा सा छोटा है। सो लेट्स अगर मैं बड़ा साइज का कोई इमेज ले लेता हूँ, लेट्स गो फॉर A4 साइज और अब इस पे मैं फिल कर रहा हूँ। सी दिस, आपको टाइल्स दिखेंगे, डेफिनेटली दिखेंगे, ये सीमलेस पैटर्न नहीं है, ठीक है। सीमलेस पैटर्न क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली बता दूंगा कि किस तरह से बनेगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये समझाना जरूरी है कि हम अपने डिजाइन के पैटर्न्स किस तरह से बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने इलस्ट्रेटर में देखा था पैटर्न्स वाली क्लास, अगर नहीं देखी है तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, वो जाके देख लीजिएगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पैटर्न एग्जैक्टली है क्या और किस तरह से काम कर रहा होता है। सो मिसाल के तौर पर अगर मैं अपना कोई खुद से डिजाइन करना चाह रहा हूँ, सही है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं तकरीबन 10 pixels के स्क्वायर्स बनाऊं। सो मैं 10 pixels का एक इमेज लूंगा। सो लेट से मैं पिक्सल्स पे आ रहा हूं, सो मैंने 10
by 10 pixels और रेजोल्यूशन मैं रख रहा हूं 72. याद रखें 72 रेजोल्यूशन इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ अपनी स्क्रीन के लिए इमेजेस पर जो है उन पर ये काम यूज करना चाह रहा हूं. हां अलबत्ता अगर आप प्रिंट के लिए जाना चाह रहे हैं तो 300 रखें एंड देन फिर 10 पिक्सेल्स बहुत छोटा होगा उसके लिए आप इंचेस या सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में देख लीजिएगा. राइट नाउ इसको मैं सिंपली क्रिएट कर रहा हूं. बहुत छोटा सा इमेज होगा 10 पिक्सेल्स का. सी दिस, ये बहुत छोटा सा जो आपको डॉट नुमा दिख रहा है दिस इज 10 बाय 10 पिक्सेल्स. सो अब अगर मैं इस पर एक सिलेक्शन के थ्रू ये कलर फिल कर रहा हूं राइट दिस एंड दिस. सो ये 1 बाय 1 पिक्सेल्स, सी 1 बाय 1 पिक्सेल का मैंने ये एक एल शेप बनाया ठीक है. एंड अगर आप चाह रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट पैटर्न बने फाइन नीचे वाली लेयर हाइड कर दें, इसको सेलेक्ट कर ले पूरे को या सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए कर लीजिएगा. एडिट पे जाके मैंने डिफाइन पैटर्न किया ओके एंड अपने इमेज पे आकर के फिल किया. सी दिस, अब ये बहुत ही मजेदार सा छोटे छोटे सा जैसे ग्रिड लाइंस बनती हैं उस तरह का बहुत छोटा सा ये पैटर्न बन चुका है 10 बाय 10 पिक्सल्स का. सो अगर मैं इसको अपने किसी इमेज पर अप्लाई करूं, मिसाल के तौर पे मैंने एक न्यू लेयर ली और मैंने यही पैटर्न फिल कर दिया इस पर, ऑब्वियसली इतना अजीब सा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा. हाँ अलबत्ता इसका ब्लेंड मोड चेंज कर लें अगर आप. सी दिस, या मैं इस पूरे पैटर्न को जो मैंने ब्लैक डिफाइन किया था इसको मैं व्हाइट करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल आई कर दें. कंट्रोल आई क्या करेगा, कलर्स को इन्वर्ट कर देता है. सो अब ये व्हाइट में हो गया है. सी याद रखिएगा ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपके काम में बहुत ज़्यादा निखार पैदा करने लगेंगी. सो प्लीज़ पैटर्न्स समझिएगा, बहुत डिटेल में मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को. है बहुत छोटी सी चीज़ लेकिन अगर हम जब हम बात करते हैं सीमलेस पैटर्न्स की तो सीमलेस पैटर्न में थोड़ी सी चीज़ों को आप लोगों को ख्याल रखना होगा राइट. चलें एक और मैं पैटर्न बना रहा हूँ और इस बार मैं थोड़ा सा बड़ा पैटर्न बनाऊंगा क्योंकि मेरा इमेज टारगेट इमेज बड़ा है. सो इस बार मैं ये कर रहा हूँ कि विड्थ में रख रहा हूँ 1 पिक्सल राइट एंड हाइट में रख रहा हूँ तकरीबन 30 पिक्सल्स की राइट. अब आप सोच रहे होंगे ये 1 पिक्सल सिंपल लाइन है. यस सिंपल सी लाइन और मैं इसमें से हाफ तकरीबन सेलेक्ट करके उसमें ब्लैक कलर फिल कर रहा हूं. सी दिस, ये अगेन मैंने बहुत बारीक सा पैटर्न बनाया है. नाउ सिंगल लाइन का फायदा क्या है अभी आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा. जैसे मैंने इस देखें यहाँ बैकग्राउंड को मैंने हाइड कर दिया है और सेलेक्ट ऑल करके एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न कर दिया है. सही, तो आइए मैं इसको जरा अप्लाई करके दिखाऊं अपने इमेज पर. मैंने यहां से न्यू लेयर ली, शिफ्ट डिलीट किया एंड यहां से ये मैंने पैटर्न सेलेक्ट किया एंड ओके. सी दिस, ये आपके पास स्ट्राइप्स आ रही हैं. ओके सो ये लाइंस या किस तरह से बन रही हैं, मैंने सिंपली जो ब्लैक पार्ट किया था वो बहुत पतला सा 1 पिक्सल का था. अब वो 1-1 पिक्सल के टाइल्स लग लग के यहाँ पे क्या हुआ, पूरी पूरी लाइंस बनना शुरू हो चुकी हैं. सो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा किस्म के पैटर्न्स बना सकते हैं. नाउ ज़रूरी नहीं है कि आप इमेज के ऊपर ही लगाएं या कहीं पर भी आप ये लगा सकते हैं. प्लस याद रखें कि ये ट्रांसपेरेंट है जो एरिया है. सो दैट मीन्स कि अगर मैं कोई और कलर फिल करना चाहूँ, लेट से मैं लाइट ब्लू ले रहा हूँ और ऑल्ट शिफ्ट बैकस्पेस कर रहा हूँ. सो ये लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं. सो आई बिलीव आप लोगों को ये पैटर्न्स समझ में आए होंगे कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं. बट बहरहाल मैं साथ साथ इसमें ये भी बताता चलूँ कि आपके पास यहाँ बने बनाए पैटर्न्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, उनको ज़रूर चेक कर लीजिएगा. नाउ जैसे मैं शिफ्ट बैकस्पेस करता हूँ यहाँ पर जब आप आते हैं यहाँ से भी आप लोड कर सकते हैं. सी देयर आर मैनी पैटर्न्स, यहाँ पर लेगेसी है, रॉक पैटर्न्स हैं. सी दिस, रॉक पैटर्न्स मैं अपेंड कर रहा हूँ, रॉक्स बनी हुई आ रही होंगी यानी पत्थर बने हुए आ रहे होंगे. इसको फिल करके देखें, दैट्स इट. सी दिस, ये आपके पास इस तरह से पैटर्न्स बने हुए आ रहे हैं. याद रखें कि मैं जो आप लोगों को पिछली क्लास मैंने पढ़ाई थी ग्रेडियंट्स वाली और आज की जो क्लास है जो कि ये पैटर्न्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए. नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लेंडिंग ऑप्शंस या लेयर स्टाइल्स हैं, उसको मिस मत कीजिएगा, इसको भी मिस मत कीजिएगा. आप लोगों को अपने पैटर्न्स बनाने आते होंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी चीज़ें आप काम कर सकेंगे. सही सही है. सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के
समझ में आ गया होगा। मैं एक नेक्स्ट छोटी सी बोनस क्लास लाने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि सीमलेस पैटर्न इमेजेस से किस तरह से बनेंगे। सो प्लीज जरूर देखिएगा, हो सकता है मैं आज ही लाऊं, नहीं तो मैं कल लाऊंगा, लेकिन लाऊंगा जरूर, हो सकता है लेट नाइट लाऊं, लेकिन बहुत लाजमी क्लास है वो, बहुत छोटी सी होगी, हार्डली 5 मिनट्स की। आई होप हम लोग को ये क्लास पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू।